हे बघा, भारतीय जनता पक्षाची महिला आघाडीची आज ही बैठक होती, एक संमेलन होता आणि आपण सर्व बघू शकतात की केवढी मोठ्या ताकदीने इथे हजारो महिला भारतीय जनता पक्षाची जमलेली आहेत। हे एक संकेत आहे की पूर्ण देशात काय वातावरण आहे, हे एक संकेत आहे इंडी अलायन्सला कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूर्ण ताकदीने मैदान उतरलेला आहे आणि हे एक संकेत माझ्यासाठी पण आहे। माझा आत्मविश्वास आज खूप उंचवलेला आहे कारण दरेक दिवस जसा जातोय माझा आत्मविश्वास वाढत चाललेला आहे कि अब की बार ईशान्य मुंबई मध्ये तर आम्ही निश्चितच विजयी होऊ, पण अब की बार 400 पार पण निश्चितच होणार। आज फक्त इकडे सभा होती, बाकी आमची वेगवेगळ्या विभागात वेगवेगळ्या मोर्चाची बैठका चालली आहे। उद्या भांडूपमध्ये अशाच विशाल स्वरूपाचा युवा मोर्चाचाही संमेलन होणार आहे आणि जसं जसं दिवस जात आहेत येणाऱ्या काळात महायुतीचा एक विराट महासंमेलन पण आम्ही आयोजित केलेला आहे। तर जसे जसे दिवस जाणार आणखी ताकदीने भारतीय जनता पक्ष व महायुतीचे कार्यकर्ता तुम्हाला मैदानात दिसणार, ते त्यांचा पक्षाचा प्रचार करतायत। आम्ही मोदीजींचे सैनिक आहोत, आम्ही घरोघरी प्रत्येक वस्त्यांमध्ये प्रत्येक सभांमध्ये सर्वांना हेच सांगू इच्छितो की मोदीजींची विकासाची गंगा प्रत्येक घरी पोचलेली आहे। कशा प्रकारे मोदीजींनी गेल्या 10 वर्षात समाजाचा प्रत्येक पंथ असो घटक असो न जाती न धर्म न भाषा काही भेदभाव केल्याशिवाय सर्वांचा घरी मोदीजींचा विकास पोचलेला आहे। धन्यवाद। इस तरह का उत्साह पूरे देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी महिला शक्ति, मातृशक्ति, हमारी भगिनियाँ बहुत बड़े पैमाने पे इकट्ठा हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ईशान्य मुंबई का महिला मेलावा था और आपने देखा होगा कि पूरे देश के तरह ईशान्य मुंबई में भी मोदी जी के प्रति एक उत्साह का वातावरण है। मिहिर कोटेचा जी को सांसद बनाने के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एक विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए ये हमारी मातृशक्ति ने आज प्रण लिया है। इतनी माताएं बहनों का हमारे साथ में जो आशीर्वाद है, जिसके कारण मैं मानता हूँ कि अब की बार 400 पार का नारा पूरे देश में और ईशान्य मुंबई में भी कमल एक बड़े पैमाने पे खिलेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मिहिर कोटेचा जी को प्रत्याशी बनाया है। इन माता भगिनियों का पिछले 5 साल मुझ पर एक आशीर्वाद था, एक बहन करके उन्होंने मुझ पर काफ़ी स्नेह रखा और ये स्नेह का प्रतीक है कि इन माताओं बहनों के विश्वास के ऊपर हमने कार्य के आधार पर हम खरे उतरे। आने वाले दिनों में मिहिर कोटेचा जी सांसद बनकर ईशान्य मुंबई की आवाज़ को दिल्ली में बुलंद करेंगे और इन सभी माता बहनों के आशीर्वाद पे वो भी खरे उतरेंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना ये हम सबका लक्ष्य है। सर, 2 दिन बाद कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, एक उत्साह का माहौल, हिंदू नववर्ष जिस तरह से मनाया जाता है, हम अलग अलग क्षेत्रों में स्वागत यात्रा करेंगे। हमारी नववर्ष समितियां है जो अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा का आयोजन करती है और हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज पूरे उत्साह के साथ इस गुड़ी पाड़वा को मनाता है। और ये जो गुड़ी अपने घर पे लगाना, यानी एक प्रगति की गुड़ी, एक विकास की गुड़ी अपने घर पे हिंदू समाज लगाता है, वह इस बात का प्रतीक है कि 5000 वर्षों का सनातन हिंदू धर्म का यहाँ पे जो इतिहास है, उस हिंदू धर्म के इतिहास के आधार पे हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश को सुख, शांति और समृद्धि और समाधान दे। मनोज भाई, CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।